नमस्कार यूटीवी खबर को स्वागत। यही संस्करण रही नवरात्र उपलक्षे प्रसिद्ध माँ तारातारिणी पीठ से चली स्वतंत्र पूजार्चना। कोरोना कटकणा और मंदिर उन्नयन कार्य चलुवा जो दर्शन पर भक्त बारण। राज्य में स्टाफ सिलेक्शन दुर्नीति में संपुक्त व्यक्ति को तुरंत गिरफ्त करने और बेकारी समस्या समाधान दावी में एनएसयूआई तरफ रास्ता रोक आंदोलन। आंध्र और ओडिशा राज्य मध्य उपजुवा सीमा बदर शांतिपूर्ण समाधान निम्ते 800 किलोमीटर पदयात्रा बाहरी युव समाजसेवी मुक्तिकांत विश्वाल। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासों 144वीं जयंती विभिन्न संगठन अनुष्ठान प्रतिष्ठान और दल तरफ प्रतिमूर्ति में पुष्पाल्य अर्पण सह बहुविध कार्यक्रम आयोजित एवं द्वादशतम विश्व सुंदर स्वास्थ्य प्रतियोगिता ब्रह्मपुर चंदन कुमार साहू भारत पर प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक हासिल कर फेरियापर विपुल स्वागत संवर्धना। एथर संपूर्ण खबर। नवरात्र उपलक्षे प्रसिद्ध माँ तारातारिणी पीठ से स्वतंत्र पूजा कार्यक्रम आयोजित होती। कोरोना कटकणा और मंदिर उन्नयन कार्य चालू रही जो एठार भक्त मानी माँ का दर्शन बंद रही ते मंदिर पूजक और किसी कमिटी सदस्य को नहीं यथारीति नियमानुजाई प्रतिदिन माँ का नवरात्र पूजा आयोजित होती। बहु मानसिक धारी माँ का निकट में अनलाइन मध्यम दीपदान कर राज्य में स्टाफ सिलेक्शन दुर्नीति में संपुक्त व्यक्ति मानक तुरंत गिरफ्त करने और बेकारी समस्या समाधान करने दावी नहीं शनिवार एनएसयूआई तरफ जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में साधारण परिषद बैठक आयोजन पुराना बस स्टैंड प्रतिवाद स्वरूप रास्ता रोक आंदोलन करा। राज्य छात्र कांग्रेस सभापति यासिर नवाज और जातीय संपादक अनुलेखा जोगद एपरी स्टाफ सिलेक्शन दुर्नीतिर दृढ़ प्रतिवाद करने मुख्यमंत्री को दायी करते। विशेषकर गंजाम जिले में बेकारी समस्या वृद्धि पाता जो बहु युवक युवती बाहर राज्य को चली जाता एठार अभियोग तेणु तुरंत समस्या समाधान करने दावी होता। से छात्र कांग्रेस तरफ उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरीठे घटना कृषक गणहत्या को दृढ़ प्रतिवाद कर। गंजाम जिला छात्र कांग्रेस सभापति विकास पशुपालकों समेत बहु छात्र और कांग्रेस नेता यह अवसर में उपस्थित थे। पुराना बस स्टैंड रास्ता रोक जो ट्राफिक समस्या देखाई। अरे पट्टो पड़े छत्र बेहान नवीन सरकार चकरी दलाल चकरी दलाल चकरी दलाल पट्टो पड़े मुर्दाबाद मुर्दाबाद पिला मानो चकरी बिक्री करी चिकी है अरे भाई बनाए आओ किए पिला मानो दा The government has promised 2 lakhs jobs every year and instead of providing jobs, they are selling jobs. With this OSSC's recruitment scam, each and every clerk from attendant from OSSC office to CM office, including ministers, MLAs and chief minister, everybody is involved in the scam. That's why they are suppressing this scam and they are not fulfilling the dreams of many students who are struggling day and night. So we the NSUI will fight till the students get justice. Dekhantu Naveen staff selection re to durniti aitala Naveen Patnaik परीक्षा पूर्वर जो पिला मानकर चाकरीटा बिकी देते विरोध में प्रत्येक जिले में पृथक प्रतिवाद करता दुईमास पूर्व छात्र कांग्रेस गंजाम जिला तरफ कलेक्टर को मेमोरांडम दिया दायीपत्र दिया दायी पूर्ण करने दायीपत्र बीरंची साहू जो आरेस्ट होती गोटे मोहरा ता तो चाकरी देवार निष्पत्ति कि क्षमता था कि जो बड़ बड़िया मैंने अफिसर मैंने मंत्री मैंने आईएएस मैंने संपृक्त अच्छा जो मैंने पैसा दे चाकरीटा को बिकी पाकर पिला भविष्य सहित खेल कर तदंत कर आरेस्ट कर दायित्व थी किंतु ए जाए कौन सी आकार पदक्षेप ने गंजाम जिला होची ओडिशार सब अधिक बेरोजगार एठाकर ए जिलार अधिकांश पिला बाहर दादन कर राज्य पिला मैंने भल पाठ पढ़ा थी चाकरी मिल पार ना ही
आंध्र और ओडिशा राज्य मध्ये उपजुवा सीमांगवादर शांतिपूर्ण समाधान निम्ते भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री बासभवन लिखित स्मारकपत्र दापे जातीय पताका सांगरे धरी अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री को स्मारकपत्र प्रदान करने दीर्घ 800 किलोमीटर पदयात्रा बाहरी युवा समाजसेवी मुक्तिकांत विश्वाल यह अवसर से ब्रह्मपुर पहुंचा पर पुकुड़ीबंध छक संसार अनुष्ठान तरफ प्रतिष्ठित संपादक रमेश चंद्र साहू और नीलमाधव साहू संबर्धित करने मानपत्र प्रदान करते शिवराम पत्र विघ्नेश्वर साहू स्वागत करते ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू विधायक विक्रम पंडा जिला बीजेडी सभापति डाक्टर रमेश चंद्र चा पट्टनायक राज्य बीजेडी संपादक सुभाष महाराणा जगन्नाथ सावत अजित पंडा शून्य चंद्र दास और अन्यान्य बीजेडी कर्मकर्ता मुक्तिकांत को स्वागत करते शांति पदयात्रा सफलता एठार कामना कर उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास 144वां जयंती अवसर में शनिवार गिरिरोड और प्रेमनगर मुख्य रास्ता पार्श्वर थिबा पंडित गोपबंधु दास प्रतिमूर्ति विभिन्न अनुष्ठान और प्रतिष्ठान तरफ पुष्पमाल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि ज्ञापन कर बहुमुखी समाज मंगल सांस्कृतिक केन्द्र तरफ एठार पुष्पमाल्य अर्पण कर अवसर में सभापति कृष्णचंद्र दास संपादक मोहम्मद असलम सुभाष चंद्र पट्टनायक सुशांत कर डॉक्टर ऋषिकेश महांती और सुरेश चंद्र त्रिपाठी प्रमुख उपस्थित थे सेपरी महंत्रकला साहित्य संसद तरफ एठार पुष्पमाल्य अर्पण कर अवसर में संपादक ज्योत्नारायणी पंडा कन्हई पंडा प्रफेसर कृष्णचंद्र जेना डॉक्टर पिंटू महांकुड़ समाजसेवी कान्हुचरण पात्र प्रमुख उपस्थित थे प्रेमनगर में अवहेलित अवस्था रही गोपबंधु प्रतिमूर्ति संस्कारवादी तरफ पुष्पमाल्य अर्पण कर तुरंत प्रतिमूर्तिर पुनरुद्धार करने दावी होता यह अवसर सभापति त्रिनाथ महाराणा समेत प्रभात कुमार मिश्र संतोष कुमार महांती अभिमन्यु धर रवींद्र कुमार साहू प्रफुल्ल बेहरा कामेश्वर राव शिवप्रसाद पट्टनायक नरसिंह पंडित हिमांशु कुमार पट्टनायक सीमांचलपति शिवप्रसन्न मिश्र अशोक कुमार पात्र एस रामशंकर मूर्ति प्रमुख उपस्थित थे आस्का रोड तालुका छक निकट थिबा गांधी गोपबंधु बिजु आश्रम ठारे शनिवार उत्कलमणि गोपबंधु दास जयंती पालन करा अवसर में पूर्वतन कॉर्पोरेटर राकेश कुमार साहू समाजसेवी भृगुराम पंडा वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन साहू नगर बीजेडी युवा सभापति अजित कुमार पंडा सीमांचल साहू रोशन साहू सत्य त्रिपाठी श्रीकांत महांति प्रमुख यह अवसर में उपस्थित रही पंडित गोपबंधु समेत महात्मा गांधी और बिजुबाबू प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य अर्पण करते आस्का रोड बालिका विद्यालय तरफ एठार पंडित गोपबंधु दास जयंती अवसर पुष्पमाल्य अर्पण कर स्मृतिचारण अवसर में प्रधान शिक्षक विजय कुमार बेहरा अध्यक्षता करता बेले अतिथि रूपे रंगेलुंडा गोष्ठी शिक्षाधिकारी डॉक्टर प्रभाती महापात्र जोगद अवसर में बहु शिक्षक शिक्षयित्री और छात्री माने उपस्थित थे उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास जयंती अवसर में मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे ब्रह्मपुर महानगर युव और छात्र सभापति अजित पंडा एवं शोभन नायक नेतृत्व में सिटी हॉस्पिटल और गेट बदर श्मशान सफाई करा सेपरी गिरिरोड और प्रेमनगर मुख्य रास्ता पार्श्व थे पंडित गोपबंधु दास प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य अर्पण कर स्मृतिचारण कर गंजाम जोन छात्र सभापति ज्योतिरंजन साहू जिला युव सभापति भवानी साहू महानगर सभापति विजय सामल शून्यचंद्र दास कैलाश विषयी रवींद्र साहू मुना लायक नेताजी पात्र जगदीश सावत सूर्यकांत सुबुद्धि तापस साहू कालिया रेड्डी बुबु महांती कान्हू पात्र तेजेश्वर स्वामी सीमांचल साहू एस ए खालिल नीलांचल विषोई राजेश पट्टनायक देवानंद पंडा स्वप्ना दलई अमित पात्र रवींद्र मिश्र और गिरीजा शतपथी प्रमुख उपस्थित थे अवसर में अतिथि रूपे ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू विधायक विक्रम पंडा राज्य बीजेडी संपादक सुभाष महाराणा भुवनेश्वर उत्तर विधायक तथा सानखमंडी निर्वाचन मंडल पर्यवेक्षक अनंत नारायण जेना प्रमुख जोगद गंजाम जिला औषध व्यवसायी संघ जीपीसीडीए तरफ उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास 144वां जयंती अवसर में सप्तम सप्ताह महुड़ा फार्मासी कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाए सभापति विष्णुप्रसाद पंडा संपादक तथा यूसीडीए सभापति पी सत्यनारायण पीआरओ नागेश्वर पृष्टि कार्यालय संपादक केदारनाथ जेना
बायोसाइंस सभापति कृष्णचंद्र पंडा प्रकृति बंधु बनमाली प्रधान समेत बहु कर्मकर्ता यह अवसर में उपस्थित थे। मार्ला कॉम्प्लेक्स परिसर में बहु पुरातन बॉडीवेयर अंडर गारमेंट शोरूम वर्तमान पुराना बस स्टैंड मुख्य डाकघर सम्मुख को स्थानांतर हो सरफ परिवार यह अति पुराना शोरूम एठार शिशु आरंभ कर पुरुष और महिला मान अंडर गारमेंट बिक्री कर दुईमहला विशिष्ट शीतताप नियंत्रित दुकान में परिवार समस्त प्रकार वस्त्र रही अवसर में शोरूम मुख्य सुरेश कुमार सरफ विनय कुमार सरफ सुनीता सरफ समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थे। गिरिरोड स्थित प्रसिद्ध केरल आयुर्वेद पंचकर्म केन्द्र में शनिवार एक मागणा मधुमेह और स्वास्थ्य परीक्षा शिविर अनुष्ठित हो जाए एठे बहु रोगी मागणारे विभिन्न परीक्षा करा डाक्तरी परामर्श दिया जाए थिला। डाक्तर शिवप्रसाद और डाक्तर सुरजित पाणिग्राही यही अवसर में रोगी मानक स्वास्थ्य जांच कर रोगर कारण निराकरण नहीं परामर्श देते एमिल आयुर्वेद कंपानी सहयोग में एपरी शिविर आयोजन कर प्रसिद्ध आयुर्वेद रंजिता पाढ़ी त्रिवेणी पट्टनायक और शंकर महाराणा प्रमुख एहयोग करते एमिल कंपानी तरफ प्रशांत कुमार साहू श्रवण कुमार परिडा और लक्ष्मण बेहरा प्रमुख उपस्थित रही सुपरिचालना करते स्वास्थ्य जांच शिविर सफल आयोजन निम्ते कान्हा चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ रंजना मिश्र समस्त को धन्यवाद अर्पण करते। तालुका छक निकट में म्युनिसिपल बालिका उच्च विद्यालय शनिवार स्टेम फॉर गर्ल्स तरफ जिला स्तरीय प्रदर्शनी अनुष्ठित हो जाएगी। एथरे ब्रह्मपुर सतरी विद्यालय छात्री माने जोगदे निज निज प्रकल्प प्रदर्शन करते मुख्य अतिथि रूपे अंतर्जातीय फैशन डिजाइनर स्वीटी लाइक जोगदे कार्यक्रम शुभारंभ करने छात्री मान स्वावलंबी होगा परामर्श देते सम्मानित अतिथि भाव यूटीवी संवादिक सुदीप कुमार साहू जोगदे निज वक्तव्य छात्री मान उत्साहित करते स्टेमर निर्देशक नेहा प्रीति संयोजक आजिम उज दौला सरोज वीर राजीव नारायण प्रोग्राम मैनेजर दुर्गाशंकर पात्र रंगेलुंडा गोष्ठी शिक्षाधिकारी डॉक्टर प्रभाती महापात्र प्रमुख यह अवसर में अतिथि रूपे जोगदे विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयत्री समेत जिला विज्ञान निरीक्षक विष्णु त्रिपाठी स्टेमर लक्ष्मी प्रधान प्रगति नायक सत्यनारायण महापात्र प्रमुख उपस्थित थे। विद्यालय वरिष्ठ शिक्षयत्री उषारणी महापात्र शेष में धन्यवाद अर्पण करते प्रधान शिक्षक विजय कुमार बेहरा ए अध्यक्षता करते
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ସାହି ସ୍ଥିତ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମପୁର 2 ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ 101 କୋଟି SHGଙ୍କୁ 2 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ଋଣ ମେଳାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ମନ୍ଦର, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରାକେଶ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। CDPO ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୃସିଂହ ମିଶ୍ର, SHG ପରିଚାଳକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, DPC ଶାଶ୍ୱତ ସାହୁ, DPC ଫଣିଭୂଷଣ ବେହେରା ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁପରଭାଇଜର ଭବାନୀ ବେହେରା, ଏମ୍ ମଣିମାଳାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମାଦାର, ମେହନ୍ତର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। বন্দনা সুমন সুমন এসেছি সুদ এসেছি খেলা খবর। ଉଜ୍ବେକିସ୍ତାନର ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ 12ତମ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ଏପରି ପଦକ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖୁସିରେ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। 60 କେଜି ବର୍ଗରେ ସେ ଏପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକଧାରୀ ଏସ୍ ରାଜେଶ ବାବୁ ଆଚାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ରାଜେଶଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ କୋଚ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କୋଚ୍ ରାଜେଶ ଓ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାସ୍ୱାର, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୁରୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଶୁଭକାମନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପଡ଼ିଥିଲେ। ନବରାତ୍ର ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। କରୋନା କଟକଣା ଓ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବିରେ NSUI ତରଫରୁ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସୀମା ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ 800 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ 144ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ। ଏବଂ 12ତମ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରି ଫେରିବା ପରେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ୟୁଟିଭି ଖବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।